सभी गणेश भक्तों का मेरे वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मुंबई के गिरगांव चौपाटी में लेकर आई हूँ। यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त अपने अपने पंडाल की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेकर आए हैं। मुंबई में लोग बहुत दूर दूर से अपने गणपति का विसर्जन करने के लिए गिरगांव चौपाटी में आते हैं। देखिए ये मूर्ति कितनी विशाल है और इसका डेकोरेशन भी काफ़ी अलग है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और भाग्य का देवता माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन में आने वाले सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में होती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। इस दिन भक्त उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं, जिसे समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी का अंत विसर्जन के साथ होता है। भक्त गणेश जी की मूर्तियों को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित करते हैं। यह विसर्जन अनंतता और सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। यह विश्वास किया जाता है कि गणेश अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करके अपने लोक लौटते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनकी शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसीलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झड़ने भी लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, ये मूर्ति तारदेव पुलिस थाने मुंबई के पंडाल की है। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। यहाँ पर गणेश मूर्ति के साथ दो सिंह भी बिठाए गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक का गणेश विसर्जन काफ़ी आनंदमय लगा होगा। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरी भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाने के साथ एक कटोरी खीर छुपा भी दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणियासा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया था। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर को उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कह दिया। जब बुढ़िया ने खीर बांटी
तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारा मजारा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को ही दे दिया, जो उसके घर ले जाकर वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंत ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी, तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया, वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें भगवान गणेश से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और जीवन में सकारात्मकता को कैसे अपनाया जाए। इस पर्व के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और सपनों को संजोते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव हम सबकी लाइफ में खुशियाँ, प्रेम और एकता से भर देगा।